देखिए, जैसा बच्चों का रुझान रहा कि हिंदी में भी समरी पूछा हुआ है, इंग्लिश में भी पूछा हुआ है, हिंदी का तो आपको एक दिन पढ़ाया गया है कि टॉपिक वाइज जैसे यहाँ पर है समरी ऑफ द मॉर्निंग एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे के चैप्टर के नाम है और उसकी थीम क्या है, उसका राइटर कौन है, ये पूछे हुए हैं। तो पोएम दे दिया, पोएम के बारे में पूछे हुए हैं। तो समरी ऑफ द एनसीईआरटी इंग्लिश में हम लोग चलेंगे। ये 18 चैप्टर है क्लास 5 में, आप देखेंगे। क्लास 5 का है आपको, चैप्टर 1 में है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को लिखा किसने है, ये चैप्टर का 1 है, चैप्टर का नाम है आइसक्रीम मैन। इसके ऑथर है रिचार्ड लेमन। इसमें पोएम है, पोएम के बारे में क्या कहा गया है, चिल्ड्रेन अराउंड द आइसक्रीम, द पोएम इज ऑल अबाउट द फन एंड फॉर लुकिंग ऑन द एंथस चिल्ड्रेन अराउंड इन आइसक्रीम कार्ट। ये पूरा आपको समरी दिया हुआ है और एक एक चैप्टर आपके बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 2 है वंडरफुल वेस्ट्स। इसके जो आर्थर हैं इंद्रेश मुखर्जी हैं, और ये क्वेश्चन उसके बारे में कहा गया है, जो इसके आर्थर हैं उनकी क्या आइडियोलॉजी है। अगला है आपका 3, बम्बो कैरी, और चौथा है आपका टीम वर्क, जॉन निग्रो की स्टेटमेंट है, ये कहानी है। तो इस तरह से आप चैप्टर के नाम और उनके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के नाम रखते हैं और उनके राइटर कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 6 है माई सडोप्स, रॉबर्ट लुइस स्टेवनसन। तो ये पोयम क्या है, ये स्टेवनसन ये यूनिक पोयम वेयर द पोएट एक्सप्लेन हिज शॉर्ट एंड शो इन द शॉर्ट लुक। केवल आपके ये चैप्टर के नाम पूछे हैं और उसके जो आथर हैं उसके पूछे हुए हैं कि उन्होंने किस बारे में लिखी है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये पूरे के पूरे आपके इस पे है। तो आप देखते रहिए और इसको एक सरसरी निगाह देख लेंगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। चैप्टर 9 है माय एल्डर ब्रदर। इसमें क्या कहानी है, ऑथर्स की क्या विचारधारा है, द लेजी फॉक्स, द लेजी फॉक्स, ठीक है। लेजी फॉक्स आपका चैप्टर 10 है। इस चैप्टर में किसके बारे में, लेजी के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 11 है, बहुत बड़ा चैप्टर है, रिप वान मिनकन, इसके ऑथर भी हैं। क्लास डिस्कशन, ग्रेवास्थन, इनकी क्या विचारधारा है, ये है। इसके बाद चैप्टर 13, इस सारे चैप्टर के आपके जो है नाम और उसके आथर कौन कौन है, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये याद रखना है। बस इतना ही पूछा जा रहा है कि ये चैप्टर का नाम दिया, हु विल बी नाइट, इसको कौन लिखा है, इंदिरा मुखर्जी लिखा है। उसमें आथर के नाम रहेंगे ABCD, आपको बस टिक लगा देना है और कुछ नहीं करना है। आपको इसी तरह से अब आगे चलेंगे। इसके बाद फोर्थ में भी है,
ये है, ये उसकी समरी है। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, जो एनसीईआरटी की बुक है वेक अप, इसके आथर हैं। अब आथर में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे दिया हुआ। तो आथर सी फ्लेल्थर है, इस पे आपको निशान लगा देना है जिस ऑप्शन में रहेगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, इनको आपको ठीक, चैप्टर नंबर 3 है नूजेस, एलन फ्रेस है और उनकी क्या यह विचारधारा है। ऐसे बहुत सारे इसमें चैप्टर हैं जो आप पढ़ेंगे, हर चैप्टर का नाम और उसके ऑथर्स के नाम पढ़ने हैं, आपको दिखा दे रहे हैं ठीक। द मिल्कमैन काउस, विद्या प्रधान इसके लेखक हैं और इसमें क्या बातें कही गई, मोरल बातें गई है, चिकन्स इन बिफोर दे आर द हैचेस्ट, इट मीन्स दैट वी शुड नॉट एनी ड्रीम अबाउट थिंग दैट हैव नॉट हैपेंड, ये उनकी विचारधारा है। तो इस तरह से आप हर चैप्टर के एक एक चैप्टर के नाम और उनके आथर, बस इतना ही रटना है जो आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, बस इतना ही बहुत है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आप अपने ढंग से रट लेंगे इसे। ये फोर्थ क्लास का हुआ, ये पूरे फोर्थ क्लास का है। अब इसके ऊपर भी है आपको, इसके ऊपर थर्ड क्लास का होगा, छोटे छोटे बच्चों की कहानी है, आप देखिए इसको। ये गुड मॉर्निंग फेनिस आर बुच्चन, फेनिस आर इस पोयम है, या तो कहीं का पोयम दे देगा, कहेगा ये पोयम किसका लिखा हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द मैजिक गार्डन, आथर है एडॉप्टेड फ्रॉम द फेयर गार्डन माई मॉर्जेंट यस बलोंट। इसके बाद है वर्ड टॉल्क एलन फ्रेस ठीक, नीना एंड द बेबी स्प्रो प्रतिभानाथ, लिटिल बाय लिटिल इसके अगला द है इनॉर्म्स तुनेप सी शॉन्क ए लिटिल फिश स्टोर एंस बी कॉमस्टॉक। अब ट्रेन है जेम्सन टिप्पेट, द स्टोरी ऑफ द रोड पुलिस संगुप्ता, ए इमेजिन, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लिटिल टाइगर बिग टाइगर लुइस हैमिल्टन फुलर, क्वेश्चन पूछेगा कि लिटिल टाइगर बिग टाइगर के राइटर कौन है, आथर कौन है, तो उसमें आपको ये ऑप्शन रहेगा। इस तरह से आपके 2-3 क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे। तो जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है वो शॉर्ट स्क्रीन ले ले, यहाँ से आपकी शुरू है, धीरे धीरे यहाँ से शुरू है। फ्रेंड्स डे एट स्कूल, एलन फ्रेसर इसके लेखक हैं, चैप्टर 2 है। हालिस एडवेंटेचर, इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं और तैयार करेंगे, आपको जरूर फायदा मिलेगा आने वाले कल के एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 है स्माइल, कह रहा है ए स्माइल इज ए वेरी शॉर्ट स्वीट एंड लवली पोयम, ये ऐसा पोयम है जो शॉर्ट है और क्या है, एक स्माइलिंग जो है क्या होता है, एक मिठास होती है जो
अगले आदमी को, आपके सामने वाले को प्रसन्न कर देती है। तो इस तरह से आपके सवाल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तब तक के हम लोग चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।